हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 के लिए, जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 34वां वीडियो है, जिसमें हमने परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया है, जो कि आने की बहुत ज़्यादा चांस इस टाइप के हो सकते हैं, जिसमें कि हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखिए, ज़्यादातर कमज़ोर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं और अपना स्कोर वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर आपका स्कोर मैथ और रीजनिंग के वजह से कम आता है तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं और सारे तरीके को अप्लाई करते हैं जितना चाहिए। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, भी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर काम करने में कितना दिन लगाएगा, यानी कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो इसको या तो आप बेसिक तरीके से कीजिए या फिर एक इसके लिए जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसके लिए मैंने दो तरीका बताया था कि इनमें से किसी भी डाटा को एक्स मानिए और किसी भी डाटा को वाई मानिए। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो समय बराबर जो यहाँ पर लगेगा जब दोनों को एक साथ करवाना हो, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब एक्स क्या है, वाई क्या है, इस बात को समझ। इनमें से किसी भी डाटा को आप एक्स मान लीजिए और किसी भी डाटा को वाई मान लीजिए, ठीक है। तो 10 और 12 22, तो कटाइएगा तो ये कितना, 11 बार में, ये आपका 6 बार में, तो 10 × 6 = 60/11। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसको तोड़ कर लिख सकते हैं, नहीं 11 × 5 = 55, 5 = 60/11। तो ये 5 पूर्णांक 5/11 दिन ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको अगर तरीके से करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, जिसको मैंने कई वीडियो में एलसीएम मेथड बताया है कि उस मेथड से आप कर सकते हो। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, वो आपका हो जाएगा 10 और 12 का एलसीएम 60, यह ना होगा तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही होना चाहिए। तो 60 को 10 से भाग दीजिएगा तो 6, और 60 को 12 से भाग दीजिएगा तो 5। अब ये क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, आपका कार्य बराबर जो समय, कार्य बराबर जो सूत्र होगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी यानी समय गुना क्षमता, काम बराबर। तो यहाँ पर ये जो 60 निकला है वह W है, ये आपकी क्षमता है, यानी एक दिन की काम करने की क्षमता, यानी ए जो है 60 में से 6 काम एक दिन में कर देगा, बी जो है 60 काम में से 5 काम एक दिन में कर देगा, तो ये इनकी क्षमता है। तो ठीक है, तो हमें समय निकालनी है, फार्मूला यही लगाना है बस, आपका आंसर काम कितना, तो आपका जवाब होगा कि 60। टाइम हमें निकालनी है, टाइम हमें क्या करनी है, निकालनी है, तो टाइम को रहने देते हैं। क्षमता दोनों को बोल रहा है एक साथ करवाना है, तो इसकी क्षमता, ए की क्षमता 6 और बी की क्षमता 5, तो 6 × 5 = 11 है ना। तो ये घुमा फिरा के क्या आ जाएगा, 60/11, टाइम उतना ही आ जाएगा, तो ये भी उतना ही आंसर। क्या बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। देखिए, दोनों तरीका से इसलिए कराता हूँ ताकि हमें पता है कि मेरे पास जो व्यूवर हैं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट कमज़ोर हैं और बहुत सारे दोस्त अच्छे भी हैं जो कि इन सब मेथड को अच्छी तरह से सीख चुके हैं। बात समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सभी को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों तरीका से करा देता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए और बी के मासिक वेतन 5:6 है, यदि उन दोनों के वेतन में 2000 की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात 11:13 हो जाता है। ए का नया मासिक वेतन क्या होगा, तो इसका देखिए दोनों तरीका बताने का कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ। ए है और एक बी है, तो
जब वृद्धि नहीं हुआ था तो उस समय वह वेतन था कितना, अनुपात कितना था उसका, 6:1, अच्छा सॉरी 5:6, 5:6, लेकिन जब वृद्धि कर दिया तो वेतन में जब वृद्धि हो गया तो तब जाकर ये जो अनुपात बन गया वह क्या हो गया, 11:13, क्या हो गया 11:13। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। देखिए तो एक बात बताइए, ये दोनों में 2000 का वृद्धि किया है, दोनों में क्या किया है, 2000 का वृद्धि किया है। तो यहाँ से ये देखिएगा, तो यहाँ से तो इसमें कितना बढ़ा है, 5 से ये 6 बढ़ गया है और ये 6 से 7 बढ़ गया, तो इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है दोनों जगह वृद्धि, क्योंकि दोनों में 2000 बढ़ाए तो इसका मतलब अनुपात में भी समान बढ़ना चाहिए, है ना, इक्वल बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब इसको इक्वल करना होगा, क्या करना होगा, इक्वल। और इक्वल कैसे कर सकते हैं, ऊपर वाले का गैप लीजिए, कितना का गैप, 1 का, नीचे वाले का गैप कितना, 2 का, तो नीचे वाले के गैप से इस पूरे को गुना कीजिए और ऊपर वाले के गैप से इन नीचे वाले को गुना कीजिए, ठीक है। अगर इतना गुना कीजिएगा तो ये 2 से 5 दुनी 10 और 6 दुनी 12, इस एक से गुना कीजिएगा तो 11 और ये 13। क्या अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ का अंतर अब समान हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्या मेरी बात को समझ रहे, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 1 बढ़ा, तो इसका मतलब ये 1 बढ़ने का मतलब 2000 की वृद्धि, यानी 1:1 का वैल्यू 2000 है, ठीक है। अब देखिए इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर जो ये 5-6 है इससे कोई लेना देना नहीं, ये यही वाला ओरिजिनल हो गया, अब ये वेतन और ये बढ़ा हुआ वेतन का अनुपात, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा है 1 नया मासिक वेतन क्या है, यानी नया वाला यानी बढ़ा वाला, तो यहाँ पर कितना है 11, 1:1 का मान 2000, तो 11:1 का मान कितना, तो आपका जवाब होगा कि 1 का जब 2000 है तो 11 का सीधा सीधा 22000 है ना, तो ये 22000 राइट आंसर। अब देखिए ये भी एक अच्छा तरीका है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ कि ये बेसिक तरीका है, लेकिन बेसिक तरीका से ही निकल कर ये भी तरीका आता है, लेकिन इसको बिना बनाए भी आंसर दिया जा सकता था, कैसे, चलिए इस बात को समझिएगा कैसे। इसने क्या कहा है, 1 का नया मासिक वेतन, तो 1 का नया मासिक वेतन कितना अनुपात में कितना, 11, जो भी ऑप्शन होगा वह 11 से कहीं ना कहीं कटेगा, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, 11 से कहीं ना कहीं कटेगा, तो आपका जवाब होगा कि एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है और यह राइट आंसर, बात समझ रहे हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो नेक्स्ट और भी इसका तरीका हो सकता है, जैसे कि मतलब कि जो बेसिक तरीका होता है कि 5x/6x, यानी ए का वेतन 5x है, बी का वेतन 6x है, इसमें 2000 ऐड किए और इसमें भी 2000 ऐड किए, तब जाकर 11:13 हुआ, यहाँ से आप x वगैरह निकालिएगा तब जाकर आपका काम होगा, बात समझ रहे, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आपका थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग लेगा, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। और कुछ दोस्त का हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन कि अगर मान लीजिए दो ऑप्शन में 11 से कटे, दो ऑप्शन में 11 से कटे, तब फिर क्या करें, इस ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सेट नहीं किया है, ये खुद प्रीवियस ईयर का पेपर है, पेपर का लिया हुआ क्वेश्चन है, ये खुद रेलवे का किया हुआ सेट है, बात समझ रहे। अगर कह देता कि मान लीजिए कि दो ऑप्शन कट रहा है 11 से, तो फिर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 33000 होता, कितना होता 33000, तो ये तो अब कट सकते हैं 11 से, क्या बात समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या इसको भी आंसर मार दें, क्या कहने का मतलब, क्या इसको भी आंसर मार दें, तो नहीं मारना चाहिए, क्यों, अब मेरी बात को समझिए, ये 2000 ऐड होने के बाद हुआ है, कितना 2000 ऐड होने के बाद ये 33 हुआ है, क्या मेरी बात को समझ रहे, तो यहाँ भी 2000, तो अगर मैं इसमें 2 घटा दूँ तो ये कितना, अगर सीधे से
हो गया दोस्त, देखिए अगर दो घटा दूं तो ये कितना, 31। क्या ये 31 पाँच से कटेगा कभी? नहीं, इधर जीरो कॉमन चीज़ है, सभी में जीरो है, बात समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो क्या ये 31 पाँच से कभी कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सोच समझ के कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं, और इस तरह से कीजिएगा तो आपके समय की बचत होगी। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और करने का कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं, बट फार्मूला आपको याद होने चाहिए, लेकिन बिना फार्मूले के भी बन सकता है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन तो देखिए कैसे, यहाँ पर क्या बोला, एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, दोनों एक ही बात है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। तो इस पर लगाकर बना लीजिए, या तो चलिए यहाँ पर लगाकर ही बनाते हैं। 4π का मान नहीं कुछ दिया है तो 22/7, आर का मान 1.4, स्क्वायर है तो 2/1.4। तो यहाँ से अब जो है इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो नीचे से पॉइंट उड़ा से उड़ाइए, ये कुछ इस प्रकार से 7 × 2 = 14। अब इसको नीचे नहीं कटाऊंगा क्योंकि आसान होगा थोड़ा घटाना। तो यहाँ पर 22 × 88 × 126, 88 × 2 = 8 × 16 × 16 = 17 = 76 × 14। तो 6 × 84, लास्ट में 4 तो सब्बे में, एगो में नहीं है, तो 6 × 84, 14 × 7 = 98 और 8 = 107, 7 × 10 = 14, 10 = 24, यानी 24/74/100, 24/74/100 है। नीचे में 100 होने का मतलब दो अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, 24/0/74, इसीलिए मैंने इसको नहीं कटाया। तो ये डायरेक्ट आंसर, लेकिन इसका ऐसे भी आंसर आ सकता था। मैंने कहा है कि देखिए जब मेंसुरेंस, यानी कहने का मतलब 3D फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पाई का इस्तेमाल होता है। जैसे कहने का मतलब आपका गोला हो गया, आपका शंकु हो गया, आपका बेलन हो गया, इस सब में क्या होता है, पाई का इस्तेमाल होता है। इसके फार्मूले में पाई का इस्तेमाल होता है, और पाई में देखिए मैं एक रूल बता रहा हूँ जो कि अधिकतर क्वेश्चन में काम आ जाएगा, उस बात को समझिएगा, ठीक है। तो सभी में पाए कहीं ना कहीं इसके फार्मूले में पाए आता है, तो पाए आता है तो इसका मतलब पाए का मान कितना, तो आपका जवाब होगा 22/7। इस 22 में क्या है अगर देखा जाए तो 2 × 11, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो जो भी आंसर होगा नीचे में अगर 11 नहीं आया है फार्मूला में, तो जो भी आंसर होगा वह 11 से कटना चाहिए। तो आप देखिए इसमें 11 से कटाकर सिर्फ एक ही ऑप्शन कटेगा। यह सब क्वेश्चन मैं सेट नहीं करता हूँ, मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर से लेता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप इसमें चेक कीजिएगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन 11 से भाग लगेगा, और 11 से कटने का मैंने रूल भी बताया है कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3, 4, 7, 8 इस तरह से है, तो हमको पता करना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इधर से जोड़ना शुरू करते हैं, एक अंक छोड़कर 8 को लिए, उसके बाद 4 को, तो 8×4 कितना हुआ, 12। फिर इधर कोई संख्या तो है नहीं तो नहीं लेंगे, अब इसको 7 × 3 = 7×3 = 10, इन दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए या 11 के मल्टीपल में कोई भी अंतर आ जाए, तो समझिएगा कि वह 11 से
भाग लग जाएगा। हालांकि इसमें देखिए अंतर कितना आ रहा है, दो का अंतर आ रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 11 से भाग नहीं लगेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लगा कर देखिए, भले ही पॉइंट में आराम से आएगा। देखिए चार चार कितना हुआ, आठ, छः दो कितना हुआ, आठ, आठ का आठ, आठ का अंतर जीरो आया है कि नहीं, हमने क्या कहा कि जीरो आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, इसका मतलब 11 से भाग लगेगा, तो इसमें 11 से भाग लगेगा और यही आंसर। बाकी बताओ, और किसी में आप लगा कर देखिए, नहीं लग सकता है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके चलिए, इस टाइप के एक नए क्वेश्चन तो पूछता ही है एग्जाम में, है कि नहीं? और जब तक पूछा नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को लिए कैसे हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो पूछा जाता है दोस्त, इस तरह के एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और होता कुछ नहीं है, इजी ही होता है, अट करने के लिए आना चाहिए, है ना? तो देखिए क्या होता है, माध्यिका वाला क्या है, माध्यिका हमसे पूछ रहा है, तो माध्यिका कैसे फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं? तो माध्यिका फाइंड करने के लिए आपको इसको गिन लेना है कि इसमें कितना नंबर है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ गो है, यानी सम संख्या है। तो सम संख्या के माध्यिका के लिए आपको क्या करना होगा, हालांकि इसका शॉर्टकट भी आपको बताएंगे कैसे शॉर्टकट लगा सकते हैं। सम संख्या का माध्यिका, सम संख्या का माध्यिका जो होगा आपका, माध्य नहीं माध्यिका, माध्य अलग चीज़ होता है, माध्यिका अलग चीज़ होता है, बहुलक अलग चीज़ होता है, तीन चीज़ आपने पढ़ा होगा जनरली, है ना? हालांकि होने का तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इनमें तीन चीज़ आप पढ़े होंगे। तो देखिए माध्यिका क्या, ये क्या है, सम संख्या है, आठ गो है, लिखना क्या है, एन बाई टू, एन मतलब संख्या, टोटल कितना संख्या है, तो आठ संख्या है, प्लस एन बाई टू प्लस वन वहाँ पद, और यहाँ भी वहाँ पद लगाना है, वहाँ पद, ठीक है, अपॉन दो। तो ये आपका सम संख्या के लिए फार्मूला होता है। तो एन बाई टू वहाँ पद कहने का मतलब कब, जब इसको आप अरेंज कर दोगे, या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, किसी भी क्रम में आप पहले अरेंज कर दीजिए। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं, छोटा से बड़ा की ओर अरेंज यहाँ पर करते हैं, देखिए कैसे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो आपका जवाब होगा 46, और उससे थोड़ा सा बड़ा 47, ये ना 47, उससे थोड़ा सा बड़ा तो आपका जवाब होगा 47 के बाद 48 है, उससे थोड़ा सा बड़ा 48.5, उससे थोड़ा सा बड़ा 48.8, उससे थोड़ा सा बड़ा अब क्या है, सीधे 50 से दिख रहा है, 50 उसके बाद 50.5, 50 46 47 48 ठीक है, 50 उसके बाद 50.5, 5 क्या 8 को पूर गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक संख्या कौन सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए गौर से, जरा गंदे नज़रों से देखिए इसमें कौन सी संख्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है। 50.5 मैंने उतार दिया, 46 47 48, अच्छा 52 मिस्टेक है, उसके बाद क्या है 52, तो एक संख्या 52, तो अब 8 को पुर गए, ठीक। अब समझिए 8 को था तो n के जगह पर 8 पुट करना है, 8/2 वा प्लस 8/2 प्लस 1 वा पद अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4वां पद प्लस ये 4/5 पद, पहले समझ लीजिए उसके बाद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हालांकि अगर समझ गए हैं तो आराम से बनाकर स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4वां पद, अब 4वां पद क्या, अब इधर से गिनिए, 1 2 3
चार कितना आया है, 48.5। चरमा पद कितना है, 48.5। प्लस पांचवा पद, पांचवा पद कितना है, 48.5। 48.5 अपॉन 2, तो दोनों को जोड़िए कितना होता है। अच्छा 48.8 है, 8 8 8 8, तो इसको जोड़िए, 8 5 13, 8 8 16 17, 4 4 8 1 9, यानी 97.3/2। भाग लगाइएगा तो कहीं ना कहीं 48.65 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। एक बात बताइए, अब थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टकट की ओर आपको ले जाता हूँ कि शॉर्टकट क्या हो सकता है। अगर सम संख्या के बारे में हमें पता चल जाए कि इसमें 8 गो है, 9 गो होता तो डायरेक्ट आप क्या करते जानते हैं, सीधा n प्लस 1/2 वापद, वही आपका आंसर हो जाता, वही आपका आंसर। तो विषम संख्या के लिए ये माध्यिका होता है, ये किसके लिए होता है, विषम संख्या के लिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो सम संख्या के लिए जो माध्यिका यहाँ पर फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो चीज होता है। तो सम संख्या में इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है उसको एक बार आधा करना है, टोटल जितना भी नंबर है तो 8 गो है, उसको आधा करना है, तो आधा करने बनी 8 गो था, 8 का आधा करते हैं तो कितना, 4 है ना, फिर उस 4 में 1 ऐड करेंगे, 5, यानी चौथा और पांचवा का आधा, चौथा संख्या और पांचवा संख्या का आधा। तो चौथा संख्या, इसको हमको इधर लिखना जरूरी है क्या, मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्या इसको लिखना जरूरी है, डायरेक्ट हम देखते हैं कि ये पहला लिखें, दूसरा लिखें, तीसरा लिखें, चौथा पांचवा, बस इन दोनों को लिखते हैं और यहाँ पर बैठाते हैं कि चौथा है 48.5 और पांचवा है 48.8/2, ये राइट आंसर हो जाता है आपका। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, इसलिए मैं दोनों तरीका कराता हूँ ताकि आपको एक तो बेसिक तरीका समझ में आ जाए और उसके बाद आप फास्ट तरीके भी समझ सको। मान लीजिए कि फास्ट तरीके भूल गए तो बेसिक तरीका तो याद रहेगा, है ना। और हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह बेसिक तरीका लगाया जाए, कहीं कहीं फास्ट तरीका ही समझ में आ जाएगा और जल्दी काम कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, और अगर हाँ अभी तक आप लोग रुके हुए हैं चैनल पर तो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा दोस्त तो एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में, क्योंकि देखिए दोस्त जो भी करना होता है हमी को करना होता है, चाहे PDF बनाना, क्वेश्चन टाइपिंग करना, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करना, फिर जाकर अपलोड करना, एडिटिंग करके अपलोड करना, पर डे एक वीडियो के पीछे मेरा 3 से 4 घंटा टाइम वेस्ट होता है। आप समझ रहे हैं दोस्त, तो बहुत मेहनत लगती है दोस्त। अगर जो भी मेरे भाई जो हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाई तो यूट्यूबर होंगे, हो सकता है वीडियो वगैरह अपलोड करते होंगे, तो उसको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है। अगर वो एक नॉर्मल वीडियो बनाता है तो सोचिए कि मैं तो ये इतना सारा काम है हमारे पास, टाइपिंग करना, मतलब क्वेश्चन कलेक्ट करना, फिर जाकर वीडियो बनाना, बहुत मेहनत लगती है, समझिए। और हाँ, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नया आप लोग अगर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्त, हमें औरों की तरफ बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलने के लिए नहीं आता, धमाकेदार एंट्री करने नहीं आता है कि वीडियो में शुरुआत में धमाकेदार एंट्री करें, वैसा करने नहीं आता। हमें उतनी भी एडिटिंग नहीं आती है कि हम बहुत कुछ इफेक्ट वगैरह लगा सकें, बात समझ रहे हैं। बस क्योंकि यहाँ पर देखिए पढ़ाई में इफेक्ट ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई में आपका तरीका ज़रूरी है, किस तरीके से आप करते हैं, क्या मतलब कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। आपको इफेक्ट देख कर दो भागना चाहिए इफेक्ट के पीछे, कि अच्छा ये वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है और उसके पीछे भागे, नहीं। आपको जहाँ से फ़ायदा होता है, मैं तो कहूँगा कि पढ़ाई में चमक तमक कोई मायने नहीं रखती है, पढ़ाई में क्वालिटी मायने रखती है, और उस चीज़ पर आप लोग फोकस करें तो बेहतर होगा। तो समझिए, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा,
तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, क्या बोला है, 80 वस्तुओं का क्रयमूल, 80 वस्तुओं का क्रयमूल। मैं इसको एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 50 वस्तु का, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। यही बात ना कहा है, अगर मैं इसको शॉर्ट भाषा में लिखूं तो 80 CP बराबर 50 SP, क्योंकि एक दोस्त कमेंट किए थे CP SP का होता है, तो यही होता है, CP मतलब क्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य। मैंने उस वीडियो में भी समझाया था, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया, तो चलिए समझिए इस बात में, हो सकता है इस वीडियो में समझ गए। तो ये हुआ, तो यहाँ से इसको अगर मैं CP को यहाँ रहने दूँ और SP को उठा को यहाँ लेते आए हैं, तो इधर तो 50 बच गया और ये 80 उठकर नीचे चल जाएगा, 80 नीचे, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा रेशियो बन गया, CP SP का रेशियो बन गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, यानी खरीदे हैं 50 में, बेच रहे हैं 80 में, कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। और इसने कहा भी है कि लाभ प्रतिशत क्या होगी, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो कितना का फायदा हो रहा है, 30 का फायदा हो रहा है। तो जब भी आप प्रॉफिट या लॉस की गणना करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप CP पर करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 का प्रॉफिट है, 30 का प्रॉफिट है, तो 30 का प्रॉफिट कितना पर, CP पर, यानी 50 पर, 50 पर, परसेंटेज से के लिए 100 से गुना करते हैं, कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दो बार में कट जाएगा, 30 दूनी 60% आपका प्रॉफिट हो गया। तो हो सकता है अगर इस जगह कोई नहीं समझे तो ये सीधा सीधा होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 बटे CP। तो यहाँ पर प्रॉफिट 30 की हुई गुना 100 अपॉन CP, CP कितना, 50। बस इसी चीज को लगाया आपका आंसर, बात समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं तो देखिए, इतना भी नहीं करना पड़ता, इतना भी नहीं करना पड़ता। कैसे, इस बात को समझाते हैं, ठीक है, यहाँ पर रहने देते हैं ताकि PDF में काम आएगा, ठीक है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये पूछा है क्या, प्रॉफिट परसेंट, ये देकर आसान कर दिया है, और किसी किसी क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा तो बताएं कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। उस स्थिति में हो सकता है फंस सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में तो कभी नहीं फंसे, लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये जो 50 है वह खरीदा हुआ मूल्य है और ये 80 जो है वो बेचा हुआ मूल्य है। तो यहीं से देखिएगा कि 30 का फायदा हो रहा है कितना पर, खरीदा हुआ मूल्य पर, 50 पर गुना 100, बस यहीं से आंसर निकल जाता है, ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे दोस्त, मैं कहा ना कि अगर आप मैथ और रीजनिंग से परेशान हैं, थोड़ा हमारे साथ जुड़कर देखिए, नहीं मजा आया, नहीं कुछ सीखे, तब कहिएगा कि नहीं आपने गलत कहा। तो देखिए दोस्त, बाकी बात आपकी इच्छा, जरूरी नहीं है कि जिसके पास 4 लाख सब्सक्राइबर हो वही अच्छा कंटेंट देगा। मैंने देखा है 4 लाख सब्सक्राइबर वाला व्यू के लिए करते हैं कि वह और भी इजी इजी क्वेश्चन लाएंगे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़े, वह सही तरीका नहीं बताएंगे, मतलब कहने का मतलब हो सकता है कुछ सही तरीका बताए लेकिन जो एक्चुअल तरीका होता है वह नहीं, वह बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, और बेसिक से जानते ही करने वाले स्टूडेंट बहुत होते हैं, बात समझ रहे हैं, और बेसिक से किसी का भला नहीं हो सकता है। जब तक आप मैथ और रीजनिंग को फास्ट तरीके से नहीं बनाओगे तो आपकी मैथ और रीजनिंग में सुधार नहीं आ सकती है, और वो फास्ट कैसे हो सकते हैं, उसके लिए तरीका सीखना पड़ेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं वह तरीका लगाना पड़ेगा जिससे कि फास्ट आंसर आए। और इससे फ़ायदा क्या होगा, चलिए मैं कह रहा हूँ कि फास्ट फास्ट फास्ट, उसे फ़ायदा क्या होगा, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पर आपको कितना मिनट मिलेगा, 90 मिनट, है ना, अगर 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा तो 90 मिनट, तो 90 मिनट आपका कब पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और बाद में पता चलेगा कि आपने 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि आप
बेसिक तरीका का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो बेहतर है कि बेसिक तरीका सीखिए, अच्छी बात है, लेकिन बेसिक तरीका के साथ साथ आप उन तरीकों को भी सीखिए जहाँ की आपको टाइमिंग कम आए, बात समझ रहे हैं, आपकी सॉल्व करने की स्पीड बढ़े, उस तरीके को सीखिए और वही तरीका आपको एग्जाम में काम दिलाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि आपको, अगर मान लेते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे, जैसे मान लेते हैं कि 50 मैथ रीजनिंग होंगे, 50 मैथ रीजनिंग होंगे, तो उनमें से हार्ड क्वेश्चन हो सकता है मैथ का 5 क्वेश्चन हार्ड हो और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन हार्ड हो, लेकिन 40 क्वेश्चन तो इजी होगा। कहने का मतलब 40 क्वेश्चन तो इजी होगा, तो 40 क्वेश्चन को आप फास्ट तरीके से सॉल्व कीजिए ना, जो इजी वाला क्वेश्चन है। बाकी बात जो ये 10 क्वेश्चन बचे हैं, उस 10 क्वेश्चन में बचे हुए टाइम को लगाइए, है कि नहीं, ताकि इनमें से भी एक दो क्वेश्चन और बन जाए, जिससे कि आपकी रिजल्ट पर गहरा प्रभाव पड़े, बात समझ रहे हैं। तो समझिए दोस्त, और क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली 25 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सीधा सा फार्मूला लगाना है। देखिए समय बराबर लगा सकते हैं दूरी बटे चाल, है कि नहीं। अब समय हमें दिया है 25 सेकेंड, बाद में भी समय पूछ रहा है, बाद का समय भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर 25 सेकेंड समय दिया है और 36 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार दी है और एक खंभा को पार कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक खंभा है, एक खंभा है, और यहाँ से ये ट्रेन आया, यहाँ से स्केच, यहाँ से एक ट्रेन आया और ये ट्रेन इस खम्भे को पार करने में, यानी इस खम्भे को पार करने में ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसका पिछवाड़ जो है, पार करने में लगा दिया 25 सेकेंड, बात समझ रहे हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं दूरी निकल जाएगी, इसकी कहीं ना कहीं दूरी, इस ट्रेन की कहीं ना कहीं लंबाई निकल जाएगी और वही लंबाई ट्रेन की दूरी भी कहलाएगी, कि यही दूरी को ये पार किया है 25 सेकेंड में, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप दूरी बराबर भी फार्मूला लगा सकते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैंने इस फार्मूले को क्यों लिखा, बता रहा हूँ क्यों लिखा, हालांकि है तो यही फार्मूला, इसी से यह कट पीट के इधर आया है, इधर उधर होके यही आया है। तो यहाँ पर देखिए 40 की कितनी है, 36 किलोमीटर पर घंटा, और ये सेकेंड में हजम नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर मीटर में है, तो इसको इस किलोमीटर पर घंटा को आप चेंज कर दो। तो अब कुछ दोस्त करेंगे क्या, 36 गुना 5/18 करेंगे, उसके बाद उसको चेंज करेंगे, 18 दूनी 36, बस 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये करेंगे और कहीं ना कहीं इसमें टाइम लगेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ, एक बार मैंने बताया भी था किसी वीडियो में, कि जब 18 के मल्टीपल में किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो उसको क्या करना है। तो यहाँ पर फिर से पुनः समझ लीजिए, देखिए किलोमीटर में मीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाना है, और जब भी 18 के मल्टीपल में हो, तो जैसे 18 का टेबल इधर लिखिए, 18 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
दस, पाँच तिया पंद्रह, पाँच चौके बीस, पाँच तिया और पाँच चौके बीस, पच्चीस पच्चीस, ये ठीक है इतना। तो एक बात बताइए यहाँ पर कितना दिया है, छत्तीस। यहाँ पर छत्तीस कहाँ पर है, 18 को दो बार पढ़ने पर 36 आया है। तो आप 5 को दो बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 10। 5 को दो बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब इतना जो ये किलोमीटर में है, मेरी बात को ध्यान से समझने को, इतना जो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम सीधा लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बिना चेंज किए देख, बिना सोचे समझे ये चीज आप लिख सकते हो, ओके नहीं।
तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में आ गया 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरा हमको दिया था 25 सेकंड गुना 25, तो ये दूरी कहीं ना कहीं निकल गया 200 मीटर 25 सेकंड, अच्छा तो 250 मीटर, कितना निकल गया 250 मीटर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी दूरी कहने का मतलब कि ट्रेन की लंबाई निकल गया, क्या बात को समझ रहे हैं? तो इस खम्भे को पार किया, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ट्रेन की लंबाई को निकाल लिए। तो यहाँ पर यह कहने का मतलब ये था कि आप बिना इसको चेंज किए, कैलकुलेशन किए, आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना मीटर पर सेकेंड है। जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि अच्छा 36 है तो 18 को दो बार पढ़ा गया, तो आप डायरेक्ट 5 को दो बार पढ़िए और 10, बात समझ रहे हैं? तो ये आपका टाइमिंग को कम करेगा, तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, ठीक है? तो इसको मैं इधर मिटा रहा हूँ, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हालांकि करने का तो इसे बहुत सारे दोस्त चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट पता होगा। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे उसके लिए देखिए, और मैं हमेशा कहता हूँ अगर जो क्वेश्चन आपसे हो जाए, पहले आप कलम कॉपी लेकर बैठिए, उसको बनाइए, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप देखिए, हो जाए तो स्किप करके दूसरा क्वेश्चन को देखिए, बात समझ रहे हैं? क्यों टाइम वेस्ट कीजिएगा, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इस प्रकार से अब कह रहा है 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब हमें समय पूछ रहा है, तो अब दूरी क्या यही लेना होगा क्या? नहीं, अब कहता है कि ये खम्भे को पार नहीं करना है, यहाँ पर एक पुल है, क्या है, इस जगह पर एक पुल है, उस पुल को पार करना है, और उस पुल का जो लंबाई है 250 मीटर है। उस पुल की लंबाई क्या है 250 मीटर, और इस ट्रेन की भी लंबाई निकल गई 250 मीटर। इसका मतलब इस ट्रेन को खुद की लंबाई प्लस इस पुल की भी लंबाई को पार करनी होगी, मतलब यहाँ पर दूरी बराबर जो है आपको 250 प्लस 250 500 लेनी होगी, और चाल तो अभी भी ट्रेन की चाल वही होगी जो 36 किलोमीटर पर घंटा है, ट्रेन की चाल थोड़ी ना चेंज होगी, सिर्फ इसकी दूरी यहाँ फाइंड हुआ है, ये ट्रेन की लंबाई फाइंड हुआ है, चाल थोड़ी ना चेंज किया है, नहीं किया, तो अभी भी चाल 10 मीटर, यहाँ पर 36 किलोमीटर पर घंटा दिया था, उसको मैंने चेंज किया था तो कितना आया था 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से समय ये निकल गया, क्या आया 50 सेकेंड, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये राइट आंसर, इसने कहा भी है सेकेंड में, ठीक है? तो ऐसे कर सकते हो, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे इस क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए और समझिए। चलिए, इस प्रायिकता से कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो एक ना एक पूछता है, ठीक है? चाहे वह ताश का हो, चाहे वह पासा का हो, चाहे वह क्वाइन का हो, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो पूछता है, बात समझ रहे हैं? तो चलिए इसको भी देखिए कैसे करते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता की फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होता है, प्रायिकता की फॉर्मूला, प्रायिकता यानी सीधा सीधा प्रायिकता बराबर क्या होगा, कुल परिणाम ऊपर संभावित परिणाम, है ना, यानी कितना संभावना हो सकती है, ठीक है? तो देखिए, पासा जानते होंगे, पासा मतलब कि लूडो गोटी आप जरूर खेले होंगे कभी ना कभी, उसमें उस पासा पर कितना नंबर होती है? अगर मैं पासा की बात करूं, अगर कोई पासा की मैं बात करूं छक्का गोटी की, तो उसमें आपको 6 नंबर दिखता होगा, एक एक का उल्टा 6 का उल्टा, नहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार से। यहाँ से रीजनिंग भी आपको आप समझ सकते हैं कि एक का उल्टा क्या होता है। चलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, अगर रीजनिंग में पूछा जाए कि स्टैंडर्डाइज में कि एक का उल्टा क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा एक का उल्टा 6 होगा। कैसे? तो जैसे ही जो भी पूछे, जैसे पूछ ले एक का उल्टा क्या होगा, तो 6 होगा। ये मैंने कैसे कहा
क्योंकि एक और छह मिलकर सात होता है, तो वो जो भी संख्या पूछे उसको सात पूरा ना, जैसे हमसे पूछे कि तीन का उल्टा क्या है, तीन में क्या जोड़ना होगा, तो आपका जवाब होगा चार, चार का उल्टा सात। तो यहाँ से आपने रीजनिंग का भी क्वेश्चंस को सीखा। तो चलिए इस ये तो बात की बात है, तो इसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, तो आपका जवाब होगा टोटल जो होते हैं छह नंबर होते हैं। टोटल यहाँ पर कितने होते हैं, छह नंबर, कौन कौन से, एक दो तीन चार पाँच छ। इसने कहा कि फेंकने पर तीन सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तीन सबसे बड़ी प्राप्त होनी चाहिए, तो पहला छ, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा पाँच, उससे थोड़ा सा छोटा चार, तो ऐसा कै गो है, तो ऐसा तीन गो है, तो ऐसा तीन गो को ऊपर, टोटल को नीचे, टोटल कै गो, छः गो है। बस इसको हल कीजिए आपका आंसर, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर कहा था एक बार फेंकने पर, क्या बोला है, एक बार फेंकने पर, दो बार भी कह सकता था, तीन बार भी कह सकता था, उस तरह की क्वेश्चंस को मैंने पिछली वीडियो में कराया है। ये दोस्त प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस क्लास में मैं सभी तरह के क्वेश्चंस को लेता हूँ, ईजी मॉडरेट हाई सभी तरह के क्वेश्चंस को लेता हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि ईजी है या हार्ड है, जो ईजी लगता है आप स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए मेरा काम जो है सभी को सिखाना है, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो, क्योंकि मेरा मानना है अच्छे स्टूडेंट तो किसी तरह भी कर लेंगे, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे, जो कमज़ोर छात्र होंगे, वह कहीं ना कहीं इन सब तरीकों को मिस कर देंगे, जिससे कि उसको एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है, बात समझ रहे हैं, और एग्ज़ाम में फिर मज़ा ही क्या है जब कंपटीशन ही ना रहे बात समझ रहे तो यहाँ पर देखिए 1000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में कितना दे दिया है, 12,200 रुपया हो गया है, तो 3 वर्ष में 13,300 रुपया हो जाते, तो ब्याज दर क्या है, ये डाटा तो यहाँ कन्फ्यूजन आने के लिए दिया है, ये नहीं हो देगा तो आंसर है, बात समझिए कैसे, क्योंकि साधारण भी आ जाए रेट तो सेम ही रहेगा, चाहे आप कितनों टाइम बढ़ाइए रेट सेम। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पास मूलधन है कितना, 10,000, ठीक है, आपके पास टाइम है कितना, 2 वर्ष, निकालने का आप इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्यों इतना दिमाग को खपाना, इसको आप सोच भी मत कीजिए कि यहाँ कुछ है, अगर यहाँ कुछ सोचते हैं तो फिर इसको मत सोचिए कि यहाँ कुछ है, बात समझ रहे हैं, तो इनमें से दो एक चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है, तो टाइम 2 वर्ष, तो मैं ऊपर वाले को ले रहा हूँ, ऊपर वाले को ले रहा हूँ, और यहाँ पर आपका अमाउंट है 12,200। देखिए अमाउंट हो सकता है कुछ को नहीं समझ में आए, ये मिश्र धन होता है, क्या होता है, मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, इसमें आपका मूलधन जुड़ा होता है प्लस SI रहता है, अमाउंट में आपका मूलधन रहता है और SI रहता है। तो देखिए हमने एक बार शॉर्टकट फार्मूला बताया था कि आपको डायरेक्ट दर निकालना ना है, ब्याज दर, तो ब्याज दर बराबर आप डायरेक्ट लगाइए ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, यह हालांकि है साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला और कुछ नहीं है, बस इसको मैंने अलग से फाइंड किया है, मतलब कि अलग से बनाया है ताकि डायरेक्ट मैं रेट निकाल सकूं, बात समझ रहे हैं, और यह हमें सीधा लगता है इसलिए मैं इसको ऐसे करता हूं। तो ब्याज कितना, तो देखिए इसमें मूलधन भी है और SI भी है, इसका मतलब 10,000 इसमें मूलधन है, बाकी बात जो है वह ब्याज है, तो इसमें 2,200 क्या है, ब्याज है, 2,200 क्या है, ब्याज गुना 100, टाइम यानी मूलधन कितना 10,000, 10,000 टाइम कितना 2 वर्ष, बस इसको कटाइए पिटाइए आपका आंसर, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 से 11 बार, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 11% आंसर, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं उतने आंसर आएगा, बट इस डाटा को फिर नहीं लेना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं, तो
ऐसे फाइंड कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, एग्जामिनर का दिमाग खराब रहता है जो इस तरह से लिखता है, बात समझ रहे हैं, बस झूठों को फंसाने के लिए और कुछ रहता नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में मैं कहता हूँ लगभग इसको जो है 50% लोग आराम से बना सकते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा लोग नहीं बना सकते क्योंकि इसमें कुछ तो राज हैं, बात समझ रहे हैं। बनाइए, कोशिश कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। देखिए, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की परिधि इतना है और क्षेत्र का व्यास कितना होगा, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये वृत्त है, पूरा वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है, 2πr होता है, हमको अधिया निकालना है, आधों को वृत्त का परिधि निकालना है, क्या करना है, आधे ठोकर निकालना है, ठीक है। तो वह करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे, ये ना वो 2 से भाग दे देंगे, कहेंगे कि πr और πr पे मान बैठा कर निकाल लेंगे, लेकिन हो जाएगा वहाँ आपके गलत, नहीं ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या है, अगर मैं इस अर्धवृत्त को देखूं, इसमें कुछ तो राज है, क्या राज है, एक बात समझिए कि परिधि होता क्या है। परिधि वो चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए आप इस वृत्त में समझिए कि यहाँ से हमने चलना शुरू किया, यहाँ से चलना चलते 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 बगले बगल, ये नहीं कि बीच में जिधर मन तिधर से, नहीं ये बगले बगल, फिर यहीं पर आकर रुक गया, तो इसका मतलब एक परिधि हमने पार कर गया, एक परिधि तय किया, एक परिधि तय किया, यानी ये टोटल दूरी को एक बार घूमना ही परिधि कहलाएगा, चाहे वह किसी भी फिगर में ले लीजिए, वृत्त में, आयत में, चाहे वर्ग में, चाहे किसी भी फिगर में, वह उसकी परिधि होती है, बगले बगल घूमना परिधि। जैसे मैं आयत की बात करूं, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, इसी से चला 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 फिर यहीं आकर रुक गया, मैं इसका मतलब मैंने परिधि तय किया, ये चीज़ होता है परिधि, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझिए, अर्धवृत्त में परिधि क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, है कि नहीं, लेकिन ये क्या, ये सत्य बात है कि ये अर्धवृत्त है, नहीं ये अर्धवृत्त नहीं रह गया, ये इसको अगर पकड़ के मचोड़ के सीधा कर दें तो ये ऐसे दिखने लगेगा, एक रेखा हो गया, अर्धवृत्त नहीं हुआ। अर्धवृत्त आप चांद को कह सकते हैं, चांद कुछ इस प्रकार से बनता है, आपके कंपास में जो होंगे चांद कुछ इस प्रकार से बनेंगे, वो है अर्धवृत्त। तो उसमें एक ऐसे वाला भी लकीर होता है, तब जाकर अर्धवृत्त कंप्लीट होता है। तो जब ऐसे यहाँ तक का हम परिधि की बात करते हैं, यहाँ तक की परिधि को हम बात करते हैं, तो ये तो पाई आर होगा, क्या होगा, पाई आर, क्योंकि इसको मैंने आधा कर दिया पाई आर। अब यहाँ से गौर से देखिए तो यहाँ पर ये भी इधर आर, इधर भी आर, यानी 2r एक्स्ट्रा, क्या है, 2r एक्स्ट्रा, तो ये अर्धवृत्त की परिधि हुई, ये हुआ अर्धवृत्त का ओरिजिनल परिधि, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से आर कॉमन ले सकते हैं, प्लस में पाई प्लस 2, ये बना। और अर्धवृत्त की परिधि हमें दिया है कितना, 576 आर निकालना है, पाई का मान 22/7 प्लस 2, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 576 बराबर आर 14 यानी 36/7 कटता है तो कटाइए, नहीं तो देखिए मैं 9 से कटा रहा हूँ, 7 6 13 5 18, हाँ 9 से ये 4 बार में 9 से ये 9 6 54 बच गया, 3 9 6 36 64, 4 से फिर कट जाएगा 16 बार में, तो R बराबर कितना आ गया 16 × 7, क्या इतनी सो बात को आप समझ सकते हैं, मैं ऐसे ही कर दिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 × 3 गुना हो गया, तो क्या हो गया R = 16 × 7। लेकिन हमें नहीं चाहिए भाई यार, हमें चाहिए व्यास, यानी ये टोटल हवा चाहिए, टोटल दू यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मतलब 2 R चाहिए, 1 R का मान है इतना, तो 2 R का मान, तो इसका मतलब व्यास बराबर सीधा सीधा 2R होता है कि नहीं, 2R का मान 16 × 7, बस इसको सोल्व कीजिए, यानी 16 × 32 32 × 7, कहीं ना कहीं ये 224 आ जाएंगे, गुना करके देखिए 32 × 7 7 × 14 7 × 21 22 224, तो ये 224
हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये बात है, ये कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिए। हालांकि अर्धवृत्त का यानी परिधि जो याद रखना है ये रखना है, बात समझ गए। अगर दूसरा चीज लगाए और इस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्त, बात समझ रहे हैं, इस बार भी पूछा गया है 2019 वाला जो वैकेंसी था ना ग्रुप डी का, और एनटीपीसी वाला भी, तो उसमें भी ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को समझिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अरे, किसी कक्षा में विद्यार्थी में 360 मोबाइलों को कितने तरीके से वितरित किया जा सकता है, इस तरह के भी क्वेश्चंस को पूछा है। और इस तरह के क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट फंस जाते हैं कि मतलब कि 360 मोबाइल है किसी कक्षा में, उसको कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, इसका आपका प्राइम फैक्टर करना होता है। जैसे मतलब 360 को आप तोड़िए, 360 को कैसे आप तोड़ सकते हो, तो 9 चौके 36, बच गया नीचे बाहर 10, यानी 2 गुना 5, इतना में तोड़ सकते हो। तो आपका जवाब होगा हाँ। तो ये 9 कितना है, 3 पर पावर 2 है, ये 2 पर पावर 2, ये क्या है 2 पर पावर 2, और यहाँ 2 पर पावर 1, तो ये कितना बन जाएंगे 2 पर पावर 3। यहाँ पर क्या है, 5, सिर्फ 5 है, तो इसका मतलब ये 5 पर पावर 1। क्या इसको मैंने तोड़ दिया, बात समझ रही, इसको मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। तो अब इसके लिए सीधा सिंपल सा, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते थे कि कुल कितने गुणन किन की संख्या है, तो इसमें क्या करते, जो भी पावर में होता था उसमें 1 ऐड करते थे। जैसे 3 पर पावर 2 है, तो 2 के पावर में इस 2 में 1 ऐड कीजिएगा 3, इस 3 में 1 ऐड कीजिएगा 4, इस 1 में 1 ऐड कीजिएगा 2, बस इन दो सबको गुना कर दीजिए उतने तरीका से हम वितरित करते हैं, 12 दुनी 24, 360 मोबाइल को 24 तरीके से वितरित कर सकते हैं। तो ये 24 राइट आंसर हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सभी लोग नहीं करते हैं, बात समझ रहे हैं। और क्वेश्चन का जो एग्जाम में रिजल्ट बनाने में जो महत्वपूर्ण हाथ रहता है यही छोटी छोटी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इन सब छोटी छोटी क्वेश्चन को लोग देखते नहीं हैं, करते नहीं हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ जाता है, और जो कहीं कभी ना कभी किया होगा तो उसको ध्यान में आ जाएगा, अच्छा ये है, बस आराम से कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्त, अभी तक भी अगर आप लोग लाइक नहीं किए, अगर पसंद आ रही है तो दोस्त लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। मैं देखता हूँ कि प्रायः सभी लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, क्या पता लाइक करने में हाथों दर्द करने लगता है क्या दोस्त, तो समझिए दोस्त, लाइक करने से आप हमें बहुत कुछ मिलता नहीं, बस थोड़ा सा हमारे चैनल को बूस्ट मिलेगा, थोड़ा सा आप लाइक कीजिएगा तो थोड़ा सा हमारी चैनल ग्रो होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा दोस्त, सिंपल सी बात यही है कि आपके एक लाइक से हम रातों रात जो है 20 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो आपको लगता है कि नहीं हमारी अगर कुछ हेल्प हो रही है, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं, हम तो मानता हूँ ये दोस्त, पैड क्लास में आपको जिस तरह का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, उस तरह के पैड क्लास में आपको चीज़ें नहीं सिखाएगा। मैंने भी पैड कोर्स लिया था, अनअकैडमी नाम की कोई चीज़ें होती है, 6000 रुपया मैंने पैड किया था, बट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने तक किया, उसके बाद नहीं किया। तो बात समझिए, तो और क्या बोलूँ दोस्त, समझिए बात को आप, और बहुत सारे फैक्ट है दोस्त, जैसे कि मैं जानता हूँ दोस्त, जिस तरह से मैं क्वेश्चंस को कराता हूँ उस तरह से तो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं करेंगे, उस तरह नॉर्मल स्टूडेंट को बनने में कम से कम 1.5 साल लगेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को हम आपको कहीं ना कहीं 1 वीडियो 2 वीडियो में आराम से मिल जाएगा, बात समझ रहे, तो समझिए। यहाँ पर क्या है, 0.08 और 0.002, 0.001 का एलसीएम क्या होगा, ये पॉइंट वाली देखकर ही बहुतों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन चलिए कर लेते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये क्या है, 0.08
पहले मैं कराता हूँ तरीके से 0.02 0.001, ठीक है, इस तरह से। और इसका हमको एलसीएम पूछा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको आप पी बाई क्यू के रूप में बदल दीजिए। पी बाई क्यू के रूप में बदलने का मतलब क्या, तो इस पॉइंट को यहाँ उड़ाइए, तो पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे पॉइंट के बाद कई गो संख्या, दो गो, तो दो जीरो। पॉइंट के बाद कई गो संख्या यानी कितने अंक के बाद पॉइंट है, तीन अंक के बाद, तो एक पर तीन जीरो। ये भी पॉइंट ख़त्म, ये भी पॉइंट ख़त्म, तो इसका भी पॉइंट ख़त्म कीजिए। यहाँ पर एक पर कई गो जीरो, चार गो, है ना, तो ये हुआ। तो यहाँ पर आप एक दो तरीका भी लगा सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि सभी को आप हजार बना दीजिए, यहाँ एक पर चार जीरो बना दीजिए, तो इधर एक पर तो चार जीरो है, यानी बड़ा वाला देखना है कि नीचे में सबसे बड़ा कहाँ है, यहाँ है, और एक पर कई गो जीरो, चार गो जीरो, तो इसमें चार जीरो बनाने के लिए एक जीरो चिपकाएंगे ऊपर नीचे, तो एक जीरो ऊपर चिपका देते हैं, तो ये 20 बटे इतना हो गया। एक इसमें देखिए दो जीरो है, तो इसमें दो जीरो चिपकाना होगा चार गो जीरो बनाने के लिए, तो इसमें भी ऊपर में दो जीरो, तो आप ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दीजिए। ऊपर वाला का एलसीएम 820 और एक का एलसीएम कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 800, और नीचे कितना है, सब बराबर है, तो नीचे बराबर में लिख दीजिए, ठीक है, बराबर लिख दिए, तो ये 1000 लिख दिया, तो ये यहाँ से दो जीरो ख़त्म, तो ये क्या है 8/100। क्या मेरी बात को समझ रहे, इसको भाग दीजिएगा तो 0.08। लेकिन एक बात, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा, ये तरीका यहाँ पर जीरो वाला इसलिए हो गया क्योंकि पॉइंट में, सिर्फ पॉइंट में था, लेकिन ये रियल में अगर पी वाई क्यू के रूप में रहता तो फिर क्या करते, तो हालांकि इसका आंसर 0.8 होगा, ठीक है। तो अब बताइए, अगर ये रियल में पी वाई क्यू के रूप में रहता, ये क्या है 800 बटे, यानी यहाँ पर मैंने दो जीरो एक्स्ट्रा बैठाया था ना, चलिए हटाइए, जो चीज़ मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बैठाया तो उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्त, तरीका ही ना समझ में आए तो बेकार है ना, है कि नहीं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ना मिले अदर जगह से तो फिर बेकार है ना है। तो यहाँ पर ठीक, और या इधर तो कुछ मैंने नहीं किया था, ठीक है, तो ये क्या बना है 8/100 बना है, ठीक है, ये क्या बना है 2/1000 बना है, और ये क्या बना है 1/10000 बना है, ठीक है। तो जब ये सब क्या है पी वाई क्यू के फॉर्म में है, और हमसे पूछा है क्या है एलसीएम, तो ये कहीं ना कहीं भिन्न के रूप में है, तो भिन्न का जो एलसीएम होता है, भिन्न का एलसीएम जो होता है, इसमें दो, देखिए भिन्न में दो चीज़ होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे, तो ऊपर का अंश का आपको एलसीएम निकालना है, अंश का एलसीएम, और हर का एच सी एफ निकलना है, हर का क्या निकलना है एच सी एफ, ठीक है। तो अब मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझिएगा, ठीक है, चलिए। अंश का एलसीएम मतलब किसका, 8, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कोई भी बता सकता है 8, 2, 1 का एलसीएम 8 होगा, आप निकाल कर देखिए। अब इसका एच सी एफ कितना होगा, इसका एच सी एफ 100, 1000 और 10000 का एस सी एफ क्या होगा, एस सी एफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती जो दी गई सभी संख्याओं को काट सके, यही ना, भाग लगा सके। तो 100 वैसा नंबर है जो 1000 को भी भाग लगा देगा, 10000 को भी भाग लगा देगा, इसका मतलब ये जो 100 है आपका एस सी एफ है, 100 जो है आप एस सी एफ, हालांकि आप अलग से निकाल लीजिएगा अगर ना समझ में आ रहा है, तो ये क्या है 8/100 आया, तो 0.08। तो ये तरीका है कि आप किसी भी क्वेश्चन पर लगा सकते हैं, बात समझ रहे हैं। यहाँ तो जीरो वाला था तो उस हिसाब से काम चल गया, और उस तरह से कई लोग कराए भी हैं, लेकिन
अगर यहाँ पर अगर 8/9 हो जाता या 2/15 हो जाता, फिर आप फंस सकते थे, फिर आप जीरो कहाँ से लगाने जाते। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये तरीका आपको फंसने नहीं देगा, बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से करने का जरूर कोशिश कीजिए। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन का लेने का मकसद मेरा ये है कि शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, वो सिर्फ शॉर्ट वीडियो में चाहेगा कितना ज़्यादा व्यू आए, बात समझ रहे हैं? उससे व्यूवर को क्या फायदा है, नहीं फायदा है, कोई मकसद नहीं, मतलब है, बात समझ रहे हैं? और बाद में वही सब स्टूडेंट फंसते हैं, शॉर्ट देखकर बाद में फंस जाते हैं। अच्छा ऐसे कि ऐसे देखे तो क्या होता है पता नहीं, भूल गए, फिर आप सोच में लग जाते हैं। तो बेहतर है कि दोस्त किसी भी चीज़ को सीखिए, थोड़ा अच्छा से सीखिए। मेरे उम्मीद से ये वीडियो लंबी हो चुकी है दोस्त, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को कल कर लेते हैं, और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग 1 बज रहा है, बात समझ रहे हैं? तो इसको आज मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाऊंगा, इसको दूसरे दिन मैं एडिटिंग करूंगा। तो चलिए करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, हालांकि क्वेश्चन सब बढ़िया सब है, देख लीजिएगा। और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रीजनिंग के भी अच्छे सब, रीजनिंग का तो खास करके मैं अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ। अभी जो लगभग 10 दिन से वीडियो, 10 दिन से जो वीडियो आ रहा है मेरी, उसमें रीजनिंग का अच्छे सब क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, जो कि डायरेक्ट आपको लगेगा कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस फंसेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने ले रहा है। तो ज़रूर दोस्त ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहेगा। और इसको भी मैंने पिछली कुछ वीडियो में पूछा था, इसको भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये टेलीग्राम का QR है, जिस पर आप ज्वाइन करके, मतलब कि QR स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ से ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर PDF मिल जाएगा। फिलहाल मैं 30 वीडियो का PDF डाल दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हो, और हो सकता है तो वहाँ से आप पर डे एक एक PDF भी सॉल्व कीजिएगा। तो बहुत है दोस्त, अभी टाइम है, अभी से ही लग जाइए बेहतर होगा। थोड़ा गला में खराश भी आ गया। कंटिन्यू बोलना दोस्त, बहुत मतलब कि समझते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा एक साथ बोलते रहना, कहीं ना कहीं एनर्जी तो लॉस होती है बहुत ज़्यादा दोस्त। तो और क्या बोलूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ये बात मेरे से क्या बहुतों से सुनते होंगे, फिर भी कहीं ना कहीं अभी यूट्यूबर की ही गिनती में आते हैं, तो ये सब बोलना पड़ता है। लेकिन आप अपना भाई समझ सकते हो, अपना दोस्त समझ सकते हो, और भाई दोस्त समझकर सपोर्ट करने का कोशिश करें दोस्त। और बस कुछ भी पसंद, थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और भाई बंधु सखा सहेली जो भी है उसको शेयर कर दीजिएगा, इससे और भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इससे कि और भी और लोगों को भी बेनिफिट हो सके और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। यही है सीधा सीधा बात, घुमा फिरा के क्या बोलना है। शेयर करने का मतलब क्या है, हमारे साथ नए लोग जुड़े, उससे आपका नुकसान नहीं होगा। कि आप शेयर करोगे तो नुकसान नुकसान हो जाएगा, नहीं, अब जिसको शेयर करोगे वो कहीं ना कहीं आपको भी दुआ देंगे। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, उसको अच्छा लगे, वो लगना है भाई तो सही जगह पहुँचाया है ना। और हो सकता है कि आपका जो दोस्त दोस्त है, एक साथ बैठ कर भी कर सकते हो तैयारी, तो आपकी इच्छा। बाकी बात, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हमारा हौसला बना रहता है कि चलिए जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं पसंद आ रही है, तो हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है, चलिए जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अच्छा है। गलत वीडियो बनाने से बेहतर है कि कम लोग ही पसंद करें, लेकिन मैं अच्छा वीडियो बनाऊँ, गलत वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी वायरल होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि 100 अच्छा के बीच में 50 गालियाँ पड़े, नहीं, बात समझ रहे हैं? तो मेरी मंशा कुछ और है दोस्त,
मैं नहीं चाहता हूं कि वल्गर वीडियो बनाऊं, मैं चाहता हूं कि हम हमसे सभी लोग संतुष्ट रहे और सभी को मैं संतुष्ट करने का कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।